हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है चैप्टर एलेवन क्लास ट्वेल्थ बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है चैप्टर एलेवन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस उसमें एक टॉपिक है रिस्ट्रिक्शन इंजाइम या रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज उसे लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये नीट बोर्ड और दूसरे कंपटीशन के लिए तो आइए हम लोग करते हैं पेज 195 इसमें दिया हुआ है रिस्ट्रिक्शन इंजाइम के बारे में कि इन ईयर 1963 टू इंजाम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड नाइन्टीन में ये दो इंजाइम जो बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रोकते हैं ई e. कोलाई में बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रोकते हैं बैक्टीरियोफेज ई e. कोलाई पे अटैक करता है उसके ग्रोथ को ई e. कोलाई के इंजाइम रोकते हैं वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डी एन एंड अदर कट डी एन ए लेटर वॉज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियज तो इस दो इंजैम में एक रहा है कि मिथाइल ग्रुप जोड़ता है डी एन ए में और दूसरा बैक्टीरियोफेज के डीएनए को काटता है तो ये जो दूसरा एंजाइम है दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज वॉज हिंड टू हिंड मीन्स हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी जिस बैक्टीरिया से मिला है उसका नाम है हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी आर डी और ये इंजाम ब्लंट एंड्स काटता है हीमोफीलस इन्फ्लुएंजी से मिला है तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज इज हिंड टू एंड मोस्ट कॉमन रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज इज ईको आर वन इको आर वन स्टैंड्स फॉर स्टेरिसिया कोलाई आर वाई थर्टीन आर वाई स्टैंड का नाम है स्टेरिसिया कोलाई आर वाई थर्टीन तो रेस्ट्रिक्शन इंजाम के बारे में कुछ और बात करते हैं पेज नंबर वन नाइन्टी सिक्स में दिया है कि रिस्ट्रिक्शन इंजाइम या रिस्ट्रिक्शन इन्डो बिलोंग टू लार्जर क्लास ऑफ इंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लिएज न्यूक्लिएज मीन्स इंजाइम दैट एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड डी एन ए और आर एन ए ये न्यूक्लिएज दो तरह के होते हैं एक होता है एक्जो न्यूक्लिएज एक्जो न्यूक्लियज रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम एंड्स ऑफ डी एन ए ये डी एन ए के दोनों एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है काटता है दूसरा रिस्ट्रिक्शन इंजाइम है इंडो न्यूक्लियज इंडो न्यूक्लियज मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन डी एन ये अंदर में सेंटर के आसपास कहीं पे, सेंटर के आसपास स्पेसिफिक पॉइंट पे डीएनए को काटता है कहाँ पे काटता है तो रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज रिकोगनाइज पेलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाट इज दिस पेलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो जैसे मलयालम को हम लोग रीड करते हैं तो दोनों तरफ से सेम रीड होता है वैसे पेलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पेलिंड्रोम इन डीएनए इट इज़ सीक्वेंस ऑफ बेस बेसपेयर दैट रीड सेम ऑन टू स्ट्रेंट्स व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग केप्ड सेम अगर आप ओरिएटेशन सेम रखेंगे तो ये आ, सेम करता है बेस पेयर को रीड करता है बेस को रीड करता है जैसे ईको आर वन का पेलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जी ए ए टी टी सी अगर आप फाइव प्राइम से चलेंगे दोनों स्टैंड पे तो बेसेज आता है जी ए ए टी टी सी इधर भी फाइव टू थ्री प्राइम और दूसरे स्टैंड पे भी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम तो दीज तो आर रेस्ट्रिक्सन इंजाइम्स अभी तक मोर देन नाइन हंड्रेड रेस्ट्रिक्सन इंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर टू थर्टी स्ट्रेंथ्स ऑफ बैक्टीरिया ईच ऑफ विच रिकोगनाइज डिफरेंट रिकॉगनीसन सिक्वेंस हर एक रेस्ट्रिकसन इंजाम का डिफरेंट रिकॉगनीसन सिक्वेंस होता है कुछ रिस्ट्रिक्शन इंजाम ब्लंट एंड काटता है और कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टिकी एंड्स काटता है जैसे इको आर वन स्टिकी एंड काटता है इको आर वन जी ए ए टी टी सी को दोनों स्टैंड पे जी और ए के बीच में काटता है और ये जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेच है इसको स्टिकी एंड कहते हैं बाद में डीएनए लाइगेज दोनों दो डीएनए को अगर ऐड करते हैं तो दोनों डीएनए को ऐड कर देता है डीएनए लाइगेज तो दीज आर स्टिकी एंड्स होप ये टॉपिक आपको कुछ इजीली अंडरस्टैंड होगा इस वीडियो को देखने के बाद और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक कुछ किसी और चैप्टर से लेकर आएंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक्स टू ऑल